वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने बलिनो, जो कि नेक्सा की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम हैचबैक के नाम से भी सेल करती है इसे। और ये है भाई डेल्टा मॉडल, और ये भाई ने अभी ली है, जिसको यूज़ करते हुए भाई को हुए हैं अभी 3 महीने। और क्या कुछ भाई को अच्छा लगा, क्या कुछ है इस गाड़ी में, अभी आपको ओनर से मिलवाएंगे एंड में, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक, ये ऐसा कुछ ड्राइवर साइड लुक, ये ऐसा कुछ इसका बैक लुक है, और ये इसका कुछ को पैसेंजर साइड। आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या मिलता है आपको। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्रोम वाली ग्रिल मिलती है ये, और सुजुकी की बैजिंग, ये कुछ नंबर प्लेट के लिए, और ऐसी कुछ ग्रिल, और ऐसे कुछ इसकी रेडिएटर ग्रिल, और इसमें फॉग लैंप नहीं मिलते, ना कि बलिनो बेस में मिलते हैं ना कि डेल्टा में, आपको जेटा और अल्फा से स्टार्ट होते हैं। और ऐसे कुछ इसमें DRL, और ये प्रोजेक्टर इंडिकेटर, और ऐसा कुछ इसका साइड लुक जो कि आप देख सकते हैं। और इसकी लेंथ विड्थ हाइट आपके सामने सेव हो रही आ रही होंगी, और ऐसा कुछ इसका साइड लुक। और इसमें ऐसे कुछ आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं, जिसकी प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ अभी। और जैसे कि इसकी प्रोफाइल है 185/65/8/15 इंच के व्हील आते हैं इसमें, जो कि ब्लैक के साथ आते हैं, और इसमें ये व्हील कवर मिलते हैं, और एडजस्टेबल मिरर मिलते हैं साइड वाले, और बॉडी कलर हैंडल, और ये ए और बी और सी पिलर आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। और ऐसा कुछ इसका बैक लुक, जिसमें ऐसी कुछ बैक लाइट मिलती है आपको, टेल लाइट, जिसमें ये LED मिलते हैं आपको बल्ब, और ऐसे कुछ बैक लाइट, और ये रिफ्लेक्टर टाइप, और ये बलिनो की वेजिंग, और ये डेल्टा मॉडल है इसलिए इसमें आपको वाइपर, वॉशर और डिफॉगर मिलते हैं, और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलते हैं, और इसमें आपको मिलते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, देख सकते हैं आप, और इसमें मिलते हैं रिफ्लेक्टर जो कि ब्लिंक नहीं होते, और ऐसा कुछ इसमें मिलता है रूफ एंटीना जो कि नॉर्मल वाला है। और आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो बूट स्पेस ओपन करने के लिए आपको मिलती है एक कीलेस बटन, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये भाई ने बेस ट्यूब लगवा रखी है। और इसमें कुछ मिलता है 341 लीटर का बूट स्पेस, और ऐसी कुछ इसमें पार्सल ट्री मिलती है जो कि हैंगिंग हुक के साथ आती है। और ये करते हैं क्लोज, दिखाते हैं आपको साइड में क्या मिलता है। और ऐसा कुछ इसमें फ्यूल टैंक जो कि आपके सामने शो हो रहा होगा, और ये इसमें क्वार्टर ग्लास सेम है उस साइड से भी। अब चलते हैं, आपको इसका दिखाते हैं इंटीरियर। और ऐसा कुछ इसका डोर जो कि काफ़ी वाइड एंगल में खुलता है, और एंट्री करने और एग्जिट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसा कुछ इसमें चारों पावर विंडो मिलती है, लॉक अनलॉक, और ये विंडो लॉक करने के लिए, और ये ORBM सेट करने के लिए साइड मिरर, और ये क्रोम में मिलता है। और ऐसा कुछ इसमें बोतल होल्डर और थोड़ा कुछ स्पेस, और ऐसा कुछ इसकी 4-way एडजस्टेबल सीट आती है जो कि जेटा में आपको 6-way मिलती है, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और बीच में कोई आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता। और पीछे एक बात हम अभी आपसे बाद में करेंगे, 60-40 स्पीड स्प्लिट सीट के साथ आती है, और इसका कुछ ऐसा इंटीरियर है, और ऐसे कुछ मैट, और यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, और ऐसा कुछ इसका स्टेयरिंग, और इसमें आपको स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल भी मिल जाते हैं, और ये कुछ क्रोम फिनिश मिलती है, ये देख सकते हैं। और क्लस्टर जिसमें कि 8000 तक RPM है जो कि पेट्रोल में, और ये 220 तक इसकी मार्किंग है, और ऐसे कुछ इसमें ब्लैक थीम में डिस्प्ले मिलती है आपको, जिससे आप इस जॉयस्टिक के थ्रू चेंज करते हैं कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे एवरेज दिखा रही 20.1 की, और रेंज जब चलेगी जब दिखाएगी, और टाइम दिखाती है नीचे, जैसे कि 10:54 हो रहे हैं, और डिग्री सेल्सियस हो रहा है।
और ये 2704 कुछ चल चुकी है, ये ट्रिप ए, ये ट्रिप बी, और इसमें साइन और ये ब्लू कलर की कुछ लाइट मिलती है, और ऐसा कुछ इसमें 2D इनका टच वाला सिस्टम मिलता है, और ऑटोमेटिक एसी मिलता है जो कि सिग्मा में नहीं मिलता, और बाकी डेल्टा, अल्फा और जेटा में, तीनों में मिलता है टॉप वालों में। और ये कुछ महादेव जी, और ये मैनुअल डे नाइट ORVM, ऐसा कुछ इसमें टिकट होल्डर मिलता है इसमें, और ऐसे कुछ बल्ब मिलते हैं, और ऐसा कुछ इसमें वैनिटी मिरर, और एयर बैग की बैजिंग क्योंकि डबल एयर बैग के साथ आती है जिसके साइन ये रहा ये, और ऐसा कुछ ये, और एसी वेंट के साइड में इसमें क्रोम मिलता है जो कि आप क्लोज एंड ओपन भी कर सकते हैं। ये हैजर्ड स्विच, और ये सेंसर मिलता है जिसमें रेड कलर की लाइट ब्लिंक होती रहती है, ये देख सकते हैं क्लोज एंड ओपन करने का। और ये ऐसा कुछ इसमें फॉग लैंप ऐड नहीं है, नहीं तो फॉग लैंप का स्विच भी इस साइड होता, और ये हेडलाइट का लेवलर है, और ये कुछ हिडन स्टोरेज और बोनट ओपन करने का। और भाई एक बैक में भी कैबिन लैंप मिलता है, और फोल्डेबल आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, और काफ़ी अच्छी कुशनिंग है देख सकते हैं। और इसमें आपको मिलता है 12 वोल्ट पावर सॉकेट और ऑक्स एंड USB, और ऐसा कुछ स्टोरेज और दो कप होल्डर, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर के साथ आती है, और ये हैंड ब्रेक, और ऐसा कुछ इसमें बोतल स्पेस है बैक में भी, और एक क्रोम सराउंडिंग में आती है जो कि बलिनो में सिग्मा मॉडल में आपका सिंपल सा था। अब दिखाते हैं आपको इसका बैक, और ये इसका बैक डोर जिसमें आपको मिलती है पावर विंडो, और ये ऐसा कुछ चारों डोर पे है, सॉफ्ट कुशनिंग है थोड़ा कपड़े का, और ये बोतल स्पेस और स्पीकर की जगह, और ऐसा कुछ अंदर बैठने के लिए, और ये ऐसा कुछ मैट है। ये भाई से अभी पूछेंगे कि कहाँ से लिया था, एसेसरी लिया था या आफ्टर मार्केट। और ये 12 वोल्ट पावर सॉकेट, ये जैसे कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट चारों, और ये फोल्डेबल वाले आपको दिखा चुका हूँ, ये देखिए। और ये 60-40 स्प्लिट सीट जैसा कि ये देख सकते हैं आप, और ये पार्सल ट्रे भी है, आपको दिखाते हैं अब इसका इंजन वे, और ये कुछ इसका इंजन वे, और ये इसमें इंसुलेशन भी है। वैसे तो मारुति गाड़ी काफ़ी साइलेंट है, फिर भी इंसुलेशन है तो और बढ़िया बात है। और ये ऐसा इसका कुछ कंपार्टमेंट जो कि काफ़ी खाली खाली सा होता है, और ये देख सकते हैं आप, इसमें दो वाइपर और दो वॉशर मिलते हैं, और आपको मिलाते हैं ओनर से, ओनर का फीडबैक लेते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है इसे यूज़ करने के लिए बाद। तो गाइस जैसा आपने देखा बलिनो डेल्टा मॉडल, और ये ओनर है जिसकी गाड़ी है। हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक भड़ाना है भाई। तो भाई आपने डेल्टा मॉडल लिया है बलिनो का? हाँ जी भाई। अच्छा, तो भाई आप और किसी सी गाड़ी पर क्यों नहीं गए? भाई बेस मॉडल में कुछ फीचर नहीं थे। अच्छा, और बजट के हिसाब से बेस्ट गाड़ी है, बेस्ट फीचर मिलते हैं, बेस्ट एवरेज है। अगर आप सिटी में चल रहे हो तो ये अराउंड 16-17 की एवरेज निकाल देगी, और अगर आप हाईवे की बात करते हो तो ये अराउंड 20-21 की एवरेज आराम से निकाल देती है। तो भाई आपने इसे लेने से पहले और कोई गाड़ी देखी थी? नहीं भाई, सीधे गए बलिनो, गए बलिनो बुक करा दी डेल्टा मॉडल। अच्छा भाई, ये कितने दिन में मिल गई थी आपको? भाई ये साथ के साथ मिल गई थी। अच्छा, हैंड टू हैंड? हैंड टू हैंड मिल गई थी। अच्छा, तो भाई ये डेल्टा मॉडल आपको कितने का पड़ा था? भाई 7.5 लाख का पड़ा था भाई। अच्छा भाई, आपने कुछ एसेसरीज वगैरह में कुछ लिया था? नहीं, एसेसरीज में बस ये डोर मैट वगैरह, फ्लोर मैट दिए थे। अच्छा, तो भाई और कुछ इसका नेगेटिव आपको लगा होगा, ये नहीं लेनी चाहिए थी और कोई लेनी चाहिए थी? नहीं, नेगेटिव तो नहीं, बस एक थोड़े इसके जो इसमें फीचर नहीं है वो है पीछे एसी का विंड नहीं दे रखा। एसी वेंट तो भाई टॉप मॉडल में भी नहीं है ना इसके? हाँ, ये पूरी बलिनो में ही दिक्कत है। तो और वैसे आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, पूरी बिल्कुल अच्छी गाड़ी एवरेज दे रही है, पावर भी सही है, 83 BHP जनरेट करती है, एसी की भी फ्लो अच्छे है, कूलिंग भी अच्छी करता है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं,
ऑटोमेटिक एसी आता है इसमें, ये भाई ने ऑन कर दिया सकते हैं आप। ये आपको सिग्मा में नहीं मिलेगा और डेल्टा, जेटा और अल्फा तीनों में मिल जाएगा। तो भाई आप फुल सेटिस्फाइड हो इस कार से? हाँ जी भाई पूरा।